नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख सकते हैं कुछ सांप पकड़े हैं जिसको हम फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आए हैं। अभी इसमें से कुछ सांप जहरीला है और कुछ सांप बिना जहर वाला है। आपको पहले के दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं एक बेंडट करत है जिसको रना बोलते हैं हमारी भाषा में। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। इसको पहले रिलीज कर देते हैं। इसमें कोई कांटा नहीं होता है, पहले से ही लोग बोलते हैं कि इसमें कांटा है। इसमें कोई कांटा नहीं होता है। मुंह की तरफ काटेगा तो इंसान की मौत हो सकता है। इसको पहले रिलीज करते हैं। सांप देख सकते हैं, ये इंडियन कॉमन करैत है जिसको हमारे यहाँ पे डणा कलेज बोलते हैं। ये भी न्यूरोटॉक्सिन जहर है इसके अंदर। इसको भी हम अभी रिलीज करने वाले हैं। ये किचली किचली उतार चुका है, आप देख सकते हैं। पता भी नहीं चलेगा ये काट देगा तो। इसी के जैसा दिखने वाला और दो सांप है जो कि बिना जहर वाला। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, वो दोनों के अंदर कोई जहर नहीं है। आपको दिखाएंगे मेल फीमेल है वो। ये भी किचली उतार चुका है, मेल फीमेल है ये। इसको आप देख सकते हैं, ये दोनों है, इसी की तरह दिखते हैं मगर इसके अंदर कोई जहर नहीं है। ये नॉन वेनोमस है और ये जहरीला है। इंडियन कॉमन क्रैट जो कि पूरा भारत देश का सबसे जहरीला सांप। आप इसको देख सकते हैं, ये ब्लैक में व्हाइट है और ये चॉकलेटी कलर है इसमें और ब्लैक है, जो कि ब्लैक जब भी ब्लैक स्पॉट रहेगा तो वो जहरीला नहीं होगा और जो ब्लैक में व्हाइट स्पॉट होगा वो ही जहरीला होगा। आप इसको पूरा नजदीक से देख सकते हैं और ये जो दोनों रिंग रहे मेरे हाथ में इसको देख सकते हैं, दोनों में आपको पहचानना है कि जहरीला कौन सा है। और आपको पहचानने में कोई दिक्कत होता है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसको और ये दोनों को रिलीज कर रहे हैं अभी। पूरा है ये सब जितने सांप आप देख रहे हैं, ये सब एक इंडियन कोबरा ही है जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। हम एक साथ सबको रिलीज करेंगे। आप देख सकते हैं ये भी एक बेबी है मगर
ये सब कोबरा जहरीले होते हैं, जिसको हम रिलीज करने के लिए आए हैं अभी। इसको आप देख सकते हैं, इसके आंख में किचली किचली लगा हुआ है, जिस जो कि अभी वो उतरा या नहीं है। उसके आंख में देख सकते हैं ये। आप इसको भी देख सकते हैं, ये काफी बिग साइज के हैं। पूरा 15 या 16 सांप थे, जिसको हम अभी रिलीज कर चुके हैं। अभी हम ये सब को छोड़ चुके हैं। अभी हम इसके बारे में और कुछ बताना चाहते हैं, जो कि आप लोग काटने से पहले आपको जब भी बाइट करता है ये, जब जब भी रात को हो या दिन को हो, आपको बाइट जब भी करता है, आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है। किसी के पास झाड़ फूक करने के लिए कोई जड़ी बूटी करना नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।